Students, previously we have discussed about the introduction of the anthelmintic drugs. हम introduction कर चुके हैं. Now today we will discuss about the classification according to the treatment of infection. आज हम discuss करेंगे classification of drugs. According to treatment of infection. ट्रीटमेंट दिए जाएगा. तो इसमें इन्फेक्शन की टाइप मतलब किस तरह का वर्म है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन. कौन सा वर्म है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है और उसको कौन सी ड्रग्स दी जाएगी. तो इसमें ये क्लासिफिकेशन जनरली बुक में क्लासिफिकेशन नहीं दे रखी, तो इसको सिर्फ वैसे क्लासिफाई कर रखा है. तो आप जो केडी त्रिपाठी है उसमें से देख सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसमें करेंगे कि अगर इन्फेक्शन हो रही है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन इसमें हम लिखते हैं टाइप ऑफ इन्फेक्शन. यहां पे हम लिखेंगे कितने टाइप की इन्फेक्शन है एंड ड्रग्स फॉर द ट्रीटमेंट, कौन सी ड्रग्स यूज की गई हैं. इन्फेक्शन है फॉर राउंड वर्म या फिर हुक वर्म या पिन वर्म. इन्फेक्शन किसके कारण हो रही है, राउंड वर्म के कारण, राउंड वर्म या फिर हुक वर्म है. सबसे पहले तो अल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल प्रिस्क्राइब की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए. तो ड्रग दैट इज अल्बेंडाजोल एंड मीबेंडाजोल और भी कोई ड्रग है जो कि इसमें दैट इज पिपराजीन एंड लिवामिसाइड. पिपराजीन भी इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होती है एंड लिवामिसोल. So the infection which is caused by the roundworms, hookworms and pinworms, इसके ट्रीटमेंट में ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब की जाती है. नेक्स्ट आ जाता है अगर whipworm आ जाएगी, इन्फेक्शन caused by
इन्फेक्शन के लिए, तो इस केस में अलबेंडाजोल एंड मीबेंडाजोल इसके ट्रीटमेंट के लिए अलबेंडाजोल प्रिस्क्राइब की जाती है एंड मीबेंडाजोल प्रिस्क्राइब की जाती है। ये दो ड्रग्स ही इस केस में प्रिस्क्राइब की जाती हैं। उसके बाद अगर आ जाता है द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो इन्फेक्शन हो रही है दैट इज कॉज्ड बाय द टेप वर्म, टेप वर्म के कारण हो रही है, तो इसमें जो ड्रग्स है, ड्रग ऑफ चॉइस है दैट इज प्राजीक्वांटल एंड निक्लोसामाइड। टेप वर्म के केस में थर्ड है हमारा, टेप वर्म क्या है, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। टेपवर्म के केस में कौन सी ड्रग हो जाएगी, एक तो प्राजीक्वांटल एंड निक्लोसामाइड, इसमें अलबेंडाजोल भी प्रिस्क्राइब की जाती है। प्राजीक्वांटल निक्लोसामाइड एंड एल्बेंडाजोल फॉर द ट्रीटमेंट विच इज कॉज्ड बाय द टेप वर्म। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाती है दैट इज हाइडाटेड डिजीज, फोर्थ वन इज हाइडाटेड डिजीज। ये कौन सी डिजीज होती है, इस डिजीज में मोस्टली पस की फॉर्मेशन होती है या सिस्ट बन जाती है, तो इसमें भी, इसके ट्रीटमेंट में भी अल्बेंडाजोल एंड मीबेंडाजोल ये प्रिस्क्राइब की जाती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है दैट इज थ्रेड वर्म, जो थ्रेड लाइक शेप होती है जिसकी, इनका जैसा नाम है उसी तरह की इसकी शेप होती है, थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म जो होता है दैट इज, इसमें जो यूज की जाती है इसके ट्रीटमेंट में, एक तो अल्बेंडाजोल एंड इवरमेक्टिन एंड अल्बेंडाजोल। ये ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट जो डिजीज है, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था दैट इज फिलेरियासिस। फिलेरियासिस में क्या होता है, इसमें जो इसको जनरल लैंग्वेज में हाथी पांव भी बोलते हैं, इसमें जो पैर होता है वो जो एल्डर पेशेंट्स होते हैं उनका पैर में, जो अडल्ट होते हैं उनके पैर में सोजिश आ जाती है, वो बहुत बड़ा हो जाता है उसका साइज, तो इसमें इसके ट्रीटमेंट में क्या जो ड्रग प्रिस्क्राइब की जाती है दैट इज डाइमिथाइल कार्बामेज़िन इन फिलेरियासिस। फिलेरियासिस की इंफेक्शन को ट्रीट करने के लिए डाइमिथाइल कार्बामाज़िन कार्बामाज़िन एंड इसमें भी आइवरमेक्टिन और इसमें अल्बेंडाजोल भी प्रिस्क्राइब की जाती है इसके ट्रीटमेंट के लिए। सो
दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एंथेलमिंटिक ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इन्फेक्शंस, कि किस तरह की इन्फेक्शन है उसके ट्रीटमेंट के लिए किस तरह की जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब की जाती है। राउंड वर्म या हुक वर्म या पिन वर्म के कारण जो इन्फेक्शन हो रही है, इफ राउंड वर्म्स पिन वर्म्स एंड हुक वर्म्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन, जो वर्म्स है ये रिस्पॉन्सिबल है, तो इसके इसके ट्रीटमेंट में क्या यूज होगा, एल्बेंडाजोल, एल्बेंडाजोल यूज होगा, मीबेंडाजोल यूज होगा, पाइडेंटल, पिप्राजीन एंड लिवामीसोल, दीज आर द ड्रग्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट विच इज कॉज्ड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स। एंड देन विक वॉर्म, अगर विक वॉर्म है तो उसकी इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल और मीबेंडाजोल यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आ जाता है टेप वॉर्म, अगर इन्फेक्शन कॉज हो रही है, इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय टेप वॉर्म, देन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टेप वॉर्म देन इसके लिए जो ड्रग्स हैं प्रिस्क्राइब की जाती है प्राजिक्वांटल, निक्लोसामाइड एंड एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट इसमें हाइडाटिड डिजीज है, हाइडाटिड डिजीज में सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, पस की फॉर्मेशन होती है, फॉर दिस ट्रीटमेंट एल्बेंडा एंड मीबेंडाजोल फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग इंक्लूड की जाती है। थ्रेड वर्म के कारण इन्फेक्शन हो रहा है तो इसमें आइवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन एंड एल्बेंडाजोल यूज की जाती है इसकी ट्रीटमेंट के लिए। एंड फॉर फिलेरियसिस के ट्रीटमेंट के लिए डाई इथाइल कार्बामा जीन यूज की जाती है, इवरमेक्टिन विद एल्बेंडाजोल, ये सारी ड्रग्स हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू एक तरह से इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। अब हम इसमें देखेंगे कि चॉइस ऑफ ड्रग, किस तरह की ड्रग को हम चूज करें फॉर द हेल्मिंथियासिस, ये तो हमारी क्लासिफिकेशन हो गई। अब पहली प्रेफरेंस किसको दें, मार्केट में दो चार इतनी सारी ड्रग्स अवेलेबल है तो हमें कैसे पता चलेगा। अब देखो राउंड वर्म या हुक वर्म के ट्रीटमेंट के लिए एल्बेंडाजोल भी है, मीबेंडाजोल भी है एंड पाइरेंटल भी है, पिप्रेजिन भी, इतनी सारी ड्रग्स अवेलेबल है तो हम पहले किसको प्रिस्क्राइब करें, कौन सी हमारी फर्स्ट चॉइस होगी, और अगर फर्स्ट चॉइस अवेलेबल नहीं है तो अल्टरनेटिव चॉइस कौन सी होगी उसके लिए। तो अब हम चॉइस ऑफ ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें ड्रग चॉइस ऑफ ड्रग के बाद हम इसमें करेंगे एक ड्रग मीबेंडाजोल के बारे में। ये तो क्लासिफिकेशन हो गई कि किस तरह की इन्फेक्शन है उसको कैसे ट्रीट करेंगे। अब क्लासिफिकेशन के बाद हमारा आ जाता है दैट इज चॉइस ऑफ ड्रग फॉर हेल्मिंथियासिस, चॉइस ऑफ ड्रग्स, किस तरह से कौन सी ड्रग को हम चूज करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्म कौन सा है, इसमें पैरासाइट या वर्म कौन सा है, पैरासाइट कौन सा है, और इधर फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट चॉइस कौन सी होगी, उसके बाद अल्टरनेटिव चॉइस कौन सी होगी। सबसे पहले तो आ जाता है राउंड वर्म, मैं पूरा डिटेल में नहीं लिखूंगी, अगर राउंड वर्म के कारण हो रही है इन्फेक्शन तो इसमें फर्स्ट चॉइस क्या आ जाएगी, इसमें फर्स्ट चॉइस आएगी मीबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल, मीबेंडाजोल एल्बेंडाजोल और अल्टरनेटिव चॉइस में आ जाएगी इसमें पिप्राजीन, लिवामीसाइड, पिप्राजीन, इवरमेक्टिन
से पढ़ लेना इसको। उसके बाद हुक वॉर्म, ये तो राउंड के कारण है, हुक वॉर्म के कारण, हुक वॉर्म में कौन कौन सी ड्रग आ जाएगी? इसमें जो फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है दैट इज पाइरेंटल, मेबेंडाजोल एंड अलबेंडाजोल, ये दोनों तो है ही ड्रग्स। इसमें पाइरेंटल, ये भी इंक्लूड हो जाएगी, और जो अल्टरनेटिव चॉइस है इसके लिए दैट इज लिवामिसोल। इसमें पैरासाइट क्या है? हुकवॉर्म है। हुकवॉर्म की ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले मेबेंडाजोल, अलबेंडाजोल एंड पाइरेंटल जो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी हमारी, उसके बाद लिवामिसोल अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी। अल्टरनेटिव ड्रग ऑफ चॉइस का क्या मतलब है? इसका मीन ये है कि अगर वो जो फर्स्ट चॉइस थी हमारी वो अवेलेबल नहीं है मार्केट में, या फिर किसी रीजन के कारण उसको आप नहीं एडमिनिस्टर कर सकते पेशेंट में, तो आप अल्टरनेटिव दूसरी चॉइस यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज थ्रेड बॉम्ब। ट्रीटमेंट में फर्स्ट चॉइस रहेगी इवरमेक्टिन, इवरमेक्टिन एंड जो अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी दैट इज अलबेंडाजोल। अब आप देख रहे हो हर जगह ही अलबेंडाजोल और मेबेंडाजोल आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट चॉइस हो सेकंड चॉइस हो, बहुत हर एक वर्म के ट्रीटमेंट के लिए ये यूज होती है। वर्म इन्फेक्शन को, जो भी वर्म इन्फेक्शन कॉज कर रहा है उसके ट्रीटमेंट में यूज होती है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोर्थ, फिलेरियसिस। फिलेरी के कारण जो होती है, जो इन्फेक्शन कॉज होती है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट चॉइस होती है हमारी डाइथाइल कार्मेजापिन, इथाइल कार्बामाजीन एंड सेकेंड जो अल्टरनेटिव चॉइस है दैट इज अलबेंडाजोल, अलबेंडाजोल सेकेंड चॉइस। ये अगर आगे जो नेक्स्ट है दैट इज टेप वॉर्म, टेप वॉर्म के कारण हो रही है इन्फेक्शन। टेप वॉर्म में जो फर्स्ट चॉइस रहेगी दैट इज प्राजिक्वांटल एंड निक्लोसामाइड, निक्लोसामाइड एंड सेकंड चॉइस जो इसमें रहेगी अल्टरनेटिव दैट इज सेम अलबेंडाजोल। देखो अगर अलबेंडाजोल किसी की फर्स्ट चॉइस में नहीं है तो वो अल्टरनेटिव में क्या है? अलबेंडाजोल ही है उस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट चॉइस है दैट इज हाइड्रेटेड डिजीज, हाइड्रेटेड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए इसमें जो फर्स्ट चॉइस है, फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? अलबेंडाजोल एंड सेकंड चॉइस इज मेबेंडाजोल। सेकेंड चॉइस इज मेबेंडाजोल। नेक्स्ट जो इसमें एक और पैरासाइट है दैट इज गिनिया, गिनिया वर्म। ये भी एक तरह का वर्म है जो क्या करता है? इन्फेक्शन कॉज करता है। तो इसके लिए अल्टरनेटिव चॉइस के लिए बस फर्स्ट चॉइस है दैट इज मेट्रोनिडाजोल। So these are the drugs. ये कुछ drugs हैं which are used for the treatment of helminthiasis. Helminthiasis
यानी एंटी हेलमिंटिक ड्रग्स हैं, ये अलग अलग बम्स हैं, अलग अलग उसकी चॉइस है भी पहले हम कौन सी जो मार्केट में अलग अलग तरह की अवेलेबल होती है, मेडिसिन अवेलेबल होती है, तो हम किसको पहले पहली प्रायोरिटी दें और किसको सेकंड प्रायोरिटी दें। तो राउंड बम के कारण जो पैरासाइट है, जो बम है, राउंड बम के कारण अगर इन्फेक्शन हो रही है वो रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए, तो इसमें फर्स्ट चॉइस में बेंडाजोल, अल्बेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल रहेगी, एंड सेकंड चॉइस इसकी रहेगी पिप्राजीन एंड टिवरमेक्टिन, ये इसकी सेकंड चॉइस रहेगी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है हुक वर्म के कारण, अगर हुक वर्म के कारण आ रहा है तो इसमें जो इन्फेक्शन हो रही है हुक वर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल एंड पायरेंटल, ये इसकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी, फर्स्ट चॉइस रहेगी ड्रग की। अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी लिवामिसोल। नेक्स्ट हमारा थ्रेड वर्म के कारण इन्फेक्शन हो रहा है, देन फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, इवरमेक्टिन फॉर द ट्रीटमेंट एंड सेकंड चॉइस एल्बेंडाजोल। अगर फिलेरियासिस हो रही है वो फिलेरिया के कारण हो रहा है तो इसमें डाइथाइल कार्बामाजीन फर्स्ट चॉइस रहेगी ड्रग की और सेकंड चॉइस रहेगी एल्बेंडाजोल। और अगर टेपवर्म इन्फेक्शन कॉज कर रहा है देन फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी, प्राजीपंटल एंड निक्लोसामाइड, सेकंड चॉइस रहेगी, अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी एल्बेंडाजोल। नेक्स्ट हमारा हाइड्रेटेड डिजीज है तो इसमें फर्स्ट चॉइस एल्बेंडाजोल रहेगी, सेकंड चॉइस मिबेंडाजोल रहेगी। एंड गीनिया के कारण अगर इन्फेक्शन हो रही है, ये रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन के लिए, तो इसमें अल्टरनेटिव कोई चॉइस नहीं, सिर्फ मेट्रोनिडाजोल ही वर्क करेगी इसके ट्रीटमेंट के लिए। तो ये अलग अलग तरह की जो वर्म्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें कौन सी फर्स्ट चॉइस रहेगी, कौन सी उसकी अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी, इसके बारे में बताया गया है। अब आप इसमें देख रहे होंगे कि अल्बेंडाजोल और मिबेंडाजोल बहुत ज़्यादा इसमें यूज़ किया गया है, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हेलमेंथियासिस। हेलमेंथियासिस के ट्रीटमेंट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो गई, आज हमने किया अलग अलग तरह की क्लासिफिकेशन के बारे में हमने किया कि किस तरह से इसको क्लासिफाई किया था अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन, और इसमें किस तरह से जो ड्रग्स हैं, अलग अलग ड्रग्स अवेलेबल हैं जो हेलमेंथियासिस है इसके ट्रीटमेंट के लिए, कौन सी जो ड्रग है फर्स्ट चॉइस रहेगी इन्फेक्शन को सही करने के लिए और कौन सी अल्टरनेटिव चॉइस रहेगी। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट हम करेंगे इसमें फर्स्ट जो इसमें बहुत पॉपुलर ड्रग है, बहुत प्रोमिनेंट है, दैट इज मिबेंडाजोल एंड एल्बेंडाजोल। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिबेंडाजोल के बारे में पढ़ेंगे, जो मिबेंडाजोल और एल्बेंडाजोल है ये इनका कंपैरिजन करके हम इसको स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इसको आगे हम प्रोसीड करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, होप आपको लेक्चर समझ में आ रहा होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।